हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। आज हम करने जा रहे हैं सॉइल साइंस एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 2। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, न्यूली फॉर्म्ड एल्यूवियल सॉइल इज कॉल्ड। न्यूली फॉर्म्ड एल्यूवियल सॉइल को किस नाम से जाना जाता है? खद्दर, पंगर, कैंकर या फिर नन ऑफ द अबव। इट इज़ नोन एज खद्दर सॉइल्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर पूछ लिया जाए कि ओल्डर एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं तो वो होता है पंगर सॉइल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज मोस्ट डेफिशिएंट इन इंडो गंगेटिक एलुवियम सॉइल्स। इंडो गंगेटिक एलुवियम सॉइल्स में कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है डेफिशिएंट है? जिंक, बोरोन या फिर मैंगनीज। आंसर इज जिंक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैक सॉइल कंटेन्स द क्ले मिनरल। ब्लैक सॉइल्स में कौन सा क्ले मिनरल होता है? क्योलिनाइट, मॉन्टमरिलोनाइट, ओगाइट या फिर कैल्साइट। ब्लैक सॉइल में जो है मॉन्टमरिलोनाइट क्ले मिनरल प्रेजेंट होता है। ठीक है, रेड सॉइल्स में जो है क्योलिनाइट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉइल डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन कंटेंट। किस सॉइल में जो है नाइट्रोजन डेफिशिएंट होती है? रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल या फिर एलुवियल सॉइल। आंसर इज ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल में नाइट्रोजन डेफिशिएंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक सॉइल शो ब्लैक कलर ड्यू टू कंपाउंड। ब्लैक सॉइल्स का ब्लैक कलर किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? मैंगनीज, आयरन, जिंक या फिर मैग्नीशियम। ये होता है मैंगनीज के कारण। रेड सॉइल इज रेड रेड इन कलर ड्यू टू। रेड सॉइल में जो रेड पिगमेंटेशन है ये किसकी प्रेजेंस की वजह से है? आयरन ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर इज आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कारण रेड सॉइल्स का रेड कलर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, फॉस्फोरस फिक्सेशन इज मोस्ट प्रोबेबल इन। किस सॉइल में फॉस्फोरस फिक्सेशन ज़्यादा होती है? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल या फिर लेटराइट सॉइल। ये होती है लेटराइट सॉइल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफिल्ट्रेशन रेट इज रिलेटिवली हायर इन। किस सॉइल का इनफिल्ट्रेशन रेट जो है हाई होता है? एलुवियल सॉइल का, क्ले सॉइल का, सैंडी सॉइल का या फिर लोम सॉइल का। ये होता है सैंडी सॉइल्स का, क्योंकि सैंडी सॉइल्स में जो है मैक्रोपोर्स ज़्यादा होते हैं, लार्ज पोर्स होते हैं, इसके कारण जो है पानी जल्दी इनफिल्ट्रेट कर जाता है, क्योंकि सैंडी सॉइल वैसे भी हमें पता है कि लाइट सॉइल होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, पीटी सॉइल्स आर जनरली डेफिशिएंट ऑफ कॉपर, मैंगनीज या फिर जिंक। आंसर इज कॉपर। क्वेश्चन नंबर 10, मार्श सॉइल्स आर जनरली डेफिशिएंट ऑफ। मार्श सॉइल्स में किसकी डेफिशिएंसी होती है? कॉपर, मैंगनीज या फिर जिंक। आंसर इज जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट टू प्लांट्स इन एडिक्वेट अमाउंट एंड इन सूटेबल प्रोपोर्शंस। सॉइल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी जिसके कारण क्या है, वो प्लांट को न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोडक्टिविटी या फिर सॉइल फर्टिलिटी। ये होती है सॉइल फर्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 12, द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू प्रोड्यूस प्लांट्स अंडर अ स्पेसिफाइड प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट एंड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यील्ड। यहाँ हम बोल सकते हैं कि सॉइल की यील्ड पोटेंशियल को जो डिफाइन करती है उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोडक्टिविटी या फिर सॉइल फर्टिलिटी। ये होती है सॉइल प्रोडक्टिविटी। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोडक्टिव सॉइल जो होगी वो हमेशा फर्टाइल होगी। प्रोडक्टिव सॉइल इज ऑलवेज फर्टाइल, बट फर्टाइल सॉइल इज नॉट ऑलवेज प्रोडक्टिव। ये ज़रूरी नहीं है कि जो सॉइल फर्टाइल है वो प्रोडक्टिव भी हो, लेकिन जो सॉइल प्रोडक्टिव है वो फर्टाइल ज़रूर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल डिकम्पोज्ड FYM कंटेन NP एंड K कंटेंट। FYM में NPK कंटेंट कितना होता है? ये होता है 0.5, 0.2 एंड 0.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, NPK कंटेंट ऑफ फार्म कंपोस्ट। फार्म कंपोस्ट में NPK कंटेंट कितना है? ये होता है 0.5,
पॉइंट जो है 0.5 होता है नाइट्रोजन, 0.15 जो होता है फॉस्फोरस और 0.5% पोटाशियम. आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीके कंटेंट ऑफ टाउन कंपोस्ट. टाउन कंपोस्ट में एनपीके कंटेंट कितना है? नाइट्रोजन होती है 1.4, फॉस्फोरस 1 और पोटाशियम 1.4%. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन मेन्योर क्रॉप्स आर टर्न्ड इन द फील्ड एट द स्टेज है. जो ग्रीन मेन्योर क्रॉप्स लगाई जाती हैं फील्ड में, उन्हें क्या है, फील्ड में ही प्लो कर दिया जाता है, कल्टीवेट कर दिया जाता है और ज़मीन में मिक्स कर दिया जाता है. ये कौन सी स्टेज में जो है ऐसा किया जाता है? फ्लावरिंग में, वेजिटेटिव स्टेज में या फिर बूटिंग स्टेज में? ये होता है फ्लावरिंग स्टेज में, जब क्रॉप पहुंच जाती है. इसके बाद उसे हार्वेस्ट करने की बजाय जो है सॉइल में ही कल्टीवेट कर दिया जाता है, ताकि नेक्स्ट क्रॉप को जो है एज अ मेन्योर वो क्रॉप एक्ट कर सके. क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीन मेन्योर क्रॉप्स कंट्रीब्यूट नाइट्रोजन रेंजिंग फ्रॉम. ग्रीन मेन्योर क्रॉप्स कितने जो है नाइट्रोजन प्रोवाइड करती हैं? ये प्रोवाइड करती हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसका आंसर है ऑप्शन बी 50 to 75 kg पर हेक्टेयर जो है नाइट्रोजन ग्रीन मेन्योर क्रॉप्स प्रोवाइड करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट वाइडली यूज्ड ग्रीन मेन्योर क्रॉप इज. इनमें से कौन सी जो ग्रीन मेन्योर क्रॉप है ज़्यादातर यूज़ की जाती है? सन हेम्प, काउपी या फिर सिसबेनिया? मोस्टली जो यूज़ होती है वो होती है सन हेम्प. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन मेन्योर क्रॉप हैविंग बोथ स्टेम एंड रूट नोड्यूलेशन. किस ग्रीन मेन्योर क्रॉप में स्टेम नोड्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं और रूट नोड्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं? सन हेम्प में, काउपी में या फिर सिसबेनिया में? ये होते हैं सिसबेनिया में, अगर पूरा नाम आ जाए सिसबेनिया रोस्ट्रेटा. ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, ग्रीन लीफ मेन्योरिंग क्रॉप्स आर. इनमें से कौन कौन सी ग्रीन लीफ मेन्योरिंग क्रॉप्स हैं? आइपोमिया, क्रंज, सिसबेनिया, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. इसका आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, दैट इज आइपोमिया एंड क्रंज दोनों ही जो है ग्रीन लीफ मेन्योरिंग क्रॉप्स हैं. ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस. नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो है सॉइल साइंस के क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे. अगर आपने अभी तक पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो काइंडली उसे भी ज़रूर देखें. होप करते हैं कि ये वीडियो आपकी प्रेपरेशन के लिए हेल्पफुल होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.